हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय एक्सेल। तो आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आज डिस्कस करेंगे संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। एंड जो पहले के जो बकाए रहे थे वो मैंने मतलब कि डिस्कस कर लिए हैं 20 तक, और दो दिनों का भी मतलब कि कर देंगे आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो की अपडेट है या अदर जो भी मैं अपलोड करूंगा वीडियोस वगैरह, वो उसकी नोटिफिकेशन का सॉरी वो वीडियो वहीं पे अपलोड होगी, तो मैं वहाँ से मतलब कि बता दिया करूँगा आपको। तो होगी और किसी चैनल पर, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो उस टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा जो मैं पर्टिकुलर लिंक दूँगा आपको। सो आप ज्वाइन कर लें उसको, ताकि यूपीएससी का सारा मटेरियल है जो आपको मिल सके। तो आज डिस्कस करेंगे अपने 24th जो जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर आज का। तो पहली न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड वोटिंग न्यू इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है वो न्यू इंडिया को देखेंगे। सो अब न्यू इंडिया जो है, आपको पता है किसके लिए मतलब कि न्यू इंडिया है। उन्हें ये मतलब कि विचार, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने सभी ने ये विचार रखा था, और उन्हीं में से मतलब कि फ्रीडम फाइटर का एक कल जो बर्थडे था, मतलब कि जयंती सिंह की बर्थ एनिवर्सरी, तो उसमें मतलब कि बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने बोला है कोलकाता में इनके बारे में, जो फ्रीडम फाइटर हैं सुभाष चंद्र जी बोस उनके बारे में। तो सुभाष चंद्र जी बोस की जो है 125th जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर बोला है उन्होंने। और बिकॉज जो सुभाष चंद्र जी बोस हैं, उनकी मतलब कि एक अपनी आर्मी भी थी, जो आपको पता है जो मतलब कि फ्रीडम के दौरान, जो मतलब फ्रीडम नहीं मिली थी उनके दौरान वर्क करती थी। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जो हमारे जो ये अपने फ्रीडम फाइटर जो सुभाष चंद्र जी बोस हैं, वो उनकी भी मतलब कि ऐसा था कि इच्छा थी कि अपने जो हैं अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो, और जो नए नए इक्विपमेंट हों उनके पास हो, मतलब कि आधुनिकीकरण हो सेना का। तो मतलब कि जैसे आज राफेल पूरी कर रहा है वो मांग, और तेजस जैसे मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो मतलब अपने पास एयरक्राफ्ट हैं, वो मतलब कि डिमांड पूरी कर रहे हैं एडवांस में। तो ये नेताजी का सपना था जो कि पूरा हुआ है, ऐसा किसी ने कहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो अपने देखेंगे, अब उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है वैसे, या बुक देख सकते हैं उसमें। तो अपने आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे, इतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपनी। आगे वाली न्यूज़ में क्या है, आपको पता था जो फार्मर्स हैं वो परेड के लिए मतलब कि चाह रहे थे कि परमिशन मिल जाए उनको परेड के लिए, ट्रैक्टर परेड जो है वो करेंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन नहीं दी उनको, और जैसे गवर्नमेंट तो देगी क्या, क्योंकि उनके साथ प्रोटेस्ट था। तो मतलब कि जो था उनके साथ प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जो पुलिस है वहाँ की, जो दिल्ली के साथ, दिल्ली में जो पुलिस है, उन्होंने मतलब कि परमिशन दे दी है कि रिपब्लिक डे पे आप जो है मतलब कि ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। तो मतलब कि उनको परमिशन मिल गई है, यही मतलब कि थी। और व्हीकल कितने होंगे, 2 लाख के व्हीकल होंगे। तो ये मतलब कि एक न्यूज़ थी। अब चलेंगे इसी पेज नंबर पर न्यूज़। अब आपको पता है कि बहुत सी मतलब कि टनल वगैरह मिली थी, जो क्रॉस बॉर्डर जहाँ से इलीगल एंट्री होती थी इंडिया में, और वहीं से आतंकवाद भी जो मतलब कि पुलिस थी वही होती। तो अब अपनी देखिए, बीएसएफ ने अपने न्यूज़ भी कवर की थी, बीएसएफ ने मतलब कि एक टनल खोजी थी, टनल मतलब कि उनको मिली थी, 4th टनल आई है मतलब कि जो मिली थी 1 ईयर में, 4th टनल सॉरी 1 ईयर में। तो पिछले जो 3 मंथ जो है, 3 मंथ में या 6 मंथ में मतलब कि ये टनल जो मिली थी वो 4th, मतलब कि 4 टनल ऐसे मिल चुकी हैं जो कि 30 फुट जो है डीप है, क्रॉस बॉर्डर टनल है ये। तो ऐसा इसमें मतलब कि न्यूज में है। और जो अब टनल है, अब ये क्या है, क्रॉस बॉर्डर टनल है, इससे आतंकवादी जो एक्टिविटी होती है मतलब कि घुसपैठ होती है। तो अब इनको क्या करेंगे मिलिट्री वाले, इनको मतलब कि इन जो टनल्स हैं इनको बंद कर देंगे, ताकि मतलब आए जाए ना, ताकि इलीगल एक्टिविटी ना हो, और जो भी हैं पाकिस्तान वाले जैसे मतलब कि ज़्यादा काम करते हैं तो उनको बंद करने की काफ़ी मिली थी जम्मू में ये जो टनल है। अब अभी तक एक साल में कितनी मिली, एक साल में अराउंड जो 10 टनल जो है मिल चुकी है, 10 जो है टनल वो मिल चुकी है
1 ईयर में, ये मतलब कि पैनल होगी। तो अब चलेंगे आगे वाली न्यूज पे। अब आगे वाली न्यूज क्या है? अब नीचे एक न्यूज है, इंडोनेशिया ने मतलब कि क्या किया है, इंडोनेशिया ने एक इंडियन हीरो के नाम से मतलब क्या बनाया है, रूम बनाया है। क्यों बनाया रूम? मतलब कि अब ये जो बीजू पटनायक है, ये कौन है? बीजू पटनायक जो है पहले फॉर्मर सीएम थे उड़ीसा के, तो मतलब कि इनके लिए ये रूम बनाया, इन्हीं के लिए क्यों बनाया इंडोनेशिया वालों ने? बिकॉज ये एक स्किल्ड पायलट भी थे पहले, ये स्किल्ड पायलट थे और इन्होंने बहुत से मतलब कि इंडोनेशियन जो है ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट किया, जो वहाँ के सिविल मतलब कि जो वहाँ के इंसान हैं उनको, जो वहाँ के सिटीजन हैं। तो जैसे जैसे प्रेजिडेंट बहुत बड़े बड़े लीडर को मतलब कि इन्होंने मतलब किया है ट्रांसपोर्ट, जैसे प्रेजिडेंट हैं सुकारनो और वाइस प्रेजिडेंट हैं वहाँ के हटा, एंड प्राइम मिनिस्टर जो सुटा सुहागिन जो है उनको मतलब कि किया है ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए इन्होंने मतलब कि वो बनाया है रूम, बनाया है इनके लिए स्पेशल। अब ये रूम की पिक जो है ये आपको दिख रही है, इनके जो दिख रही है पिक, ये पिक है रूम की इसकी। तो अब आपको पता इससे चल जाना चाहिए इस न्यूज से पता। और ये किया मतलब कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में जो टॉपिक आता है कि रिलेशन जो कैसे होते हैं हमारे किसी कंट्री के साथ, तो हमारे इंडोनेशिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इसीलिए मतलब कि इन्होंने ये रूम तैयार किया है। और जो बीजू पटनायक जी का जो रूम बनाया है इन्होंने कहाँ पर बनाया है? ये इंडिया में बनाया है, न्यू इंडिया में, जैसे न्यू दिल्ली में वहाँ पे इनकी एम्बेसी जो है इंडोनेशिया वालों की, तो वहाँ पे इन्होंने ये रूम बनाया है। अब जो आपको इनसे रिलेशन का पता चलना चाहिए, अच्छे रिलेशन है अपने, और 2005 से मतलब कि रिलेशन चले आ रहे हैं अपने, मतलब कि इस्टेब्लिश हुए हैं रिलेशन और एग्रीमेंट भी हुआ है इनके, स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है 2005 में हुआ था, तो तब से हमारे रिलेशन अच्छे हैं इनसे। तो ये आपको आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता रहना चाहिए कि ये मतलब कि रिलेशन अच्छे हैं। तो अब चलेंगे अपने आगे आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे। अब आगे जो न्यूज़ है आपको पता है इसमें न्यूज़ इतनी है नहीं, 2 पे 3 पे, बिकॉज आज संडे या संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, साइंस एंड टेक का पेज आता है। तो पेज नंबर 7 पे जो न्यूज़ है, पेज नंबर 7 पे क्या न्यूज़ है? अपनी जो 9th मतलब कि टॉक हो चुकी है, 8 जो मतलब कि 8 जो टॉक हैं वो हो चुकी हैं अभी तक, इनके बीच में इंडिया और चाइना के बीच में अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, स्टैंड ऑफ जो जारी था। तो अब जो है, अब 9th जो राउंड टेबल जो टॉक्स हैं वो होंगी, कहाँ पे होंगी? चुशुल में। तो अब इनमें देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो एक न्यूज़ है ये। अब जो सिक्योरिटी है, आपको पता है रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जो जनवरी है तब, तो अब सिक्योरिटी जो है मतलब ये दिल्ली की वो टाइट कर दी है। और ये पास में एक न्यूज़ है इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड, अब इस न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया और फ्रांस से अपने रिलेशन कैसे हैं, फ्रांस से अपने रिलेशन कैसे हैं, इंडिया और फ्रांस से रिलेशन कैसे हैं, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज हम जो हैं डेजर्ट नाइट जो 2021 है वो एक्सरसाइज कर चुके हैं, और इस ये जो एयर एक्सरसाइज है इसके थ्रू अपने ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अपने जो हैं रिलेशन कैसे हैं, अच्छे रिलेशन हैं इनके साथ, फ्रांस वालों के साथ, और अपनों ने राफेल की डील की है इनके साथ, और बहुत से मतलब कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है अपने इनसे लेते हैं, तो अपने रिलेशन इनसे अच्छे हैं। और ये याद रखना डेजर्ट 19 नाइट 2021 किन के बीच में हुई है? फ्रांस और इंडिया के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सी मतलब कि स्ट्रेटेजिक जो है अपने एक्सरसाइज होती है। अब जो HAL की तरफ से न्यूज है, HAL क्या है? HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो मतलब कि 12 जो LCH हेलीकॉप्टर हैं वो दे रही है किसको, एयर जो एयरफोर्स है जो अपनी उनको। अब ये ऐसे दिखते हैं हेलीकॉप्टर, ये देखो कि ये दी हुई है इसमें, ऐसे हेलीकॉप्टर दिखते हैं। और LCH क्या है? लाइट लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जो मतलब कि LCH की फुल फॉर्म है इसकी, LCH की। तो ये मतलब कि इंडिया को दे रहे हैं, और अपने को पता है कि HAL जो है अब मतलब कि डिफेंस जो है अपना अब इंडिया में ही मतलब जो मैन्युफैक्चर होगा, बिकॉज अब इंटर आत्मनिर्भर भारत आपको पता है जैसा कि डील की थी 2020 में, तो बाद में फुल मतलब कि होने लग जाएगा यहीं पे मैन्युफैक्चर जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है। तो ये एक न्यूज़ है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो
अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पर, आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो मतलब कि कोवा वैक्सीन से रिलेटेड है। जैसे कोवा वैक्सीन जो है तैयार की है किन्होंने की है, भारत बायोटेक वालों ने। तो अब महाराष्ट्र टॉप पे है वैक्सीनेशन में। आपको पता है 16 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, तो महाराष्ट्र जो है टॉप पर है वैक्सीनेशन में। और अब जो है सेंटर ये सोच रही है कि ये और स्टेट में भी बढ़ाया जाए। कितने स्टेट में? 6 स्टेट में और बढ़ाएगी शायद ये अभी, कि ये जो वैक्सीन है वहाँ पे भी दी जाए। और कंट्रीज़ में भी बढ़ा रही है, जो 13 कंट्रीज़ हैं। 13 कंट्रीज़ में कौन कौन है? बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, मालदीव, मॉरिशियस, और जो मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सेशेल्स। तो इनकी लोकेशन भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन कंट्रीज़ को दे रही है, 13 कंट्रीज़ में, 13 कंट्रीज़ को जो है ये वैक्सीन मतलब कि ट्रांसपोर्ट करेगा इंडिया। और ये अपने स्टेट है, ये 6 स्टेट में भी मतलब कि ट्रांसपोर्ट करेगा। और तो ताकि मतलब कि रिकवर हो सके जल्दी से जल्दी अपनी कोविड 19 से, इसने तो इकोनॉमी को खा लिया पूरा। अब जो WHO के चीफ जो हैं, WHO के चीफ हैं, उन्होंने मतलब की तारीफ किया इंडिया की, कि इंडिया जो है पेंडेमिक के दौरान सपोर्ट कर रहा है जो वर्ल्ड की। तो जैसे पहले अपनों ने जो राहत सामग्री पहुंचाई थी कई देशों को, और अब जो है अपनी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, तो मतलब कि ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो WHO चीफ ने तारीफ की है कि इस स्पोर्ट को कंटिन्यू रखा जाए। अब जो चाइना है, और चाइना की ऐप जो बैन हुई थी, आपको पता है चाइना की ऐप बैन हुई थी कुछ, तो मतलब अब गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है कि ये जो बैन है ये रहेगा, मतलब कि ये बैन ही रहेगी, ये अब नहीं चलेंगी भारत में। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो नोटिस है भेजा गया है टिकटॉक वालों को, जो भी चाइनीज ऐप। तो अब चलेंगे अपने आगे। तो पेज नंबर जो है, अब ये फ्यूल प्राइसेस के बारे में है थोड़ा सा, बिकॉज फ्यूल से ही ट्रांसपोर्ट जो एक्टिविटी होती है, और फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। अब अपने चलेंगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे क्या है? पाक ने क्या किया है? पाक जो है उन्होंने हाफिज सईद को भी पकड़ लिया। हाफिज सईद को क्यों पकड़ लिया? बिकॉज ये FATF से जुड़ी न्यूज़ है। FATF आपको पता है क्या है? FATF, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF। तो FATF के बारे में आप देख लेंगे, FATF के बारे में आप क्या देखेंगे, ये मतलब कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, क्या वर्क करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये वर्क करती है FATF। और जो मुंबई अटैक में जो शामिल था साथ में हाफिज सईद, उनको मतलब कि इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया उनको। क्यों पकड़ लिया है? बिकॉज ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना चाहते, ताकि अब ये जो है ब्लैक लिस्ट में ना डाले FATF, तो इसलिए मतलब इन्होंने इसको पकड़ लिया ताकि हम रूल रेगुलेशन का जो पालन कर सकें FATF। तो अब जो है आगे चलेंगे पेज नंबर 10 पे, बिजनेस नंबर पेज पे। क्या है बिजनेस में? ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आया, बिकॉज आपको पता है आफ्टर कोविड जो है ऑल जो वर्ल्ड है वो डिजिटल हो चुका है। तो अब साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उसके बारे में बताया गया। अब जो चलेंगे अपने पेज नंबर 11 पे, यही इंपॉर्टेंट पेज है आज का, बिकॉज इसमें जो है अच्छी न्यूज़ है थोड़ी सी। अब इसमें न्यूज़ क्या है? इसमें न्यूज़ है जर्मन साइंटिस्ट जो है उन्होंने मतलब कि पैरालाइज जो माइस है, माइस मीन्स मतलब कि चूहा जो होते हैं, उसको मतलब कि अगेन वॉक करना मतलब कि स्टार्ट कर दिया है। ऐसा उन्होंने मतलब कि प्रोटीन डाला था उसके माइंड में। अब क्या हुआ था, एक जो चूहा था माइस जो मतलब कि पैरालाइज हो चुका था, उसकी जो स्पिनल कॉर्ड में इंजरी हुई थी उसके कारण, तो डिज़ाइनर ने क्या किया, जो प्रोटीन डिज़ाइनर है उन्होंने इंजेक्ट किया था मतलब कि प्रोटीन एक ऐसा उसके ब्रेन में जो माइस है, अब वो है ना मतलब कि दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया उसने। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है, बिकॉज जो ये स्पिनल कॉर्ड जो इंजरी होती है ये बहुत से स्पोर्ट जैसे ह्यूमन से भी जुड़ी है, जैसे स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनको होती है, और बहुत से मतलब कि जो एक्सरसाइज वगैरह करते होते हैं जैसे आर्मी वगैरह में, उनमें भी मतलब कि ये ऐसी इंजरी होती है, तो उनमें भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अब जो SC
ऐसे इंजेक्ट किया जाता है जो जेनेटिक, मतलब कि जो प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं, हाइपर इंटेलेक्चुअल, ये मतलब कि नाम है, यूपीएससी पूछ सकता है कि हाइपर इंटेलेक्चुअल जो सिक्स मतलब कि न्यूज़ में था, आखिर ये क्या है, तो ये मतलब कि बताया गया है जो ये प्रोसेस है उसको ये कहते हैं, इस नाम से ये कहते हैं कि हाइपर इंटेलेक्चुअल सिक्स। अब जो एक मतलब कि विनम वाला सांप मिला है, नॉन विनम, मतलब कि ये एक ऐसा सांप है इसका जो विनम है इसको मतलब कि अपने अगर कोई सांप खा जाए तो उसके, या मतलब कि बाइट वगैरह कर ले कोई सांप तो उससे मतलब कि अपने को राहत मिल सकती है, वैक्सीन मतलब कि तैयार की जा सकती है इसके थ्रू, ये जो सांप है। तो अब क्या हुआ है, एक जो इंडिया में है, सदर्न वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे एक सांप मिला है। अब इस जो सांप है ये, इसका नाम क्या है, रोमुलस क्रैट नाम रखा है, और रोमुलस क्रैट मतलब कि जो बंगुरस रोमुलसी जो है, जो स्नैक मैन ऑफ इंडिया थे उनके नाम पर इन्होंने रखा है, रोमुलस वाइट वेट। सो अब इससे क्या हुआ है, इससे ये जो सांप है, अब इससे जो ये अपने कोबरा जैसे सांप है, एंटी मतलब कि विनम पाया जाता है इनमें, और इससे क्या होगा, अब इससे जैसे किसी को सांप काट लिया किसी को, तो अब इसके जहर से उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे इंडिया में है 58,000 जो पीपल हैं वो मतलब कि सांप के काटने से मतलब कि डेथ हो जाती है उनकी, सांप के काटने से डेथ होती है उनकी, तो अब ये जो है सुधार हो सकता है, और अब इसके सांप के मतलब कि काटने से डेथ जो होती है वो नहीं होगी, ताकि वैक्सीन वगैरह तैयार की जा सके इसकी। तो अब ये आपको पता होना चाहिए रोमुलस जो क्रैट है क्या है, सांप की प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है, पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, चलिए चलते हैं, कल की न्यूज़ में डिस्कस करेंगे अब। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।